नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कल बताया कि भारत में अयोध्या में राम मंदिर का कल इफ्तिताह हो गया वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी की हाज़िरी में, और बहुत शानदार प्रोग्राम था। पूरा हिंदुस्तान यूँ समझो वहाँ पर टूट पड़ा था। कॉरपोरेट वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग, सब लोग वहाँ पर थे। साउथ से रजनीकांत था, बम्बई से अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, कतरीना कैफ, विकी कौशल, विवेक ओबेरा और कुमार मंगलम बिरला, मुकेश अंबानी, सचिन तेंदुलकर, ऐसे बड़े बड़े नाम, मैं तो नाम भी यानी याद आ रहे, सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। ऐसा एक शानदार प्रोग्राम हुआ जिसमें भगवान राम की मूर्ति की स्थापना हुई। अच्छा, अब हम आते हैं भारत की जो तेल की ज़रूरियात है इसके ऊपर। जैसे आपको इल्म है कि 2022 की 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया था। इससे पहले भारत अपनी ज़रूरियात का जो तेल है, खाम तेल, कच्चा तेल, वो मोस्टली वेस्ट एशिया या मगरबी एशिया से, मतलब इराक, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात यानी दुबई वगैरह, इनसे ख़रीदता था। उसके बाद अगर कुछ ज़रूरत पड़ती तो अमेरिका से भी लेता था, लेकिन रूस से बिल्कुल कम था। और फिर हमने ऐसे कई प्रोग्राम किए जिसमें हमने आपको बताया कि जब ये जंग शुरू हुई तो मगरबी ममालिक ने यानी अमेरिका और यूरोप ने मिलकर रूस के ऊपर सेंक्शंस लगा दी, पाबंदियां लगा दी, जिसकी वजह से रूस का तेल बिकना बंद हो गया। ऐसे वक्त में जाहिर है रूस हमारा, भारत का बहुत पुराना करीबी दोस्त है, हम चाहते हैं हम उसकी मदद करें, लेकिन उसके साथ साथ अगर उसमें कुछ हमारा माली फायदा भी हो जाए तो इसमें क्या नुकसान है। तो जब रूस का तेल दुनिया में नहीं खप रहा था तो रूस ने अपना तेल डिस्काउंट पे देने की ऑफर की। उस वक़्त भारत ने जितना हो सका रूस से तेल लेना, खरीद करना शुरू कर दिया। और यहाँ तक हुआ कि भारत को 20-20 डॉलर एक बैरल पर डिस्काउंट मिल रहा था। और फिर जल्द ही 3-4 महीनों में भारत की ज़रूरियात का सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है ना, वो रूस पूरा कर रहा था कच्चे तेल का। लेकिन फिर क्या हुआ? अच्छा, इसमें बावजूद इसके कि मगरबी ममालिक यानी यूरोप और अमेरिका को ये बात एक आंख नहीं भाती थी, उनको बहुत बुरा लगता था और कईयों ने तो खुलम खुला इसका इजहार भी किया कि भारत जो है वो रूस की जंग को फंड कर रहा है। यानी भारत जब उससे तेल खरीदता है तो रूस की इतनी ताकत हो जाती है कि वो जंग को जारी रख सके। लेकिन उसके बावजूद भारत ने इन सारे प्रेशर्स का मुकाबला किया और रूस से तेल लेना जारी रखा। और उस वक़्त मुझे याद है, और एक हमने प्रोग्राम भी किया था, आपको बताया भी था, एस जयशंकर ने एक प्रोग्राम में सीधा सीधा कह दिया कि तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी, तुम अगर रूस से गैस खरीदते हो तो उससे रूस की जंग को फंड नहीं करते,
हम जब तेल खरीदते हैं तो इस तरह हम उसकी जंग को फंड कर रहे हैं। So look, I mean, I don't want to sound argumentative, but then tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it, it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. And even this, you know, look, the whole narrative that it's gone up 9 times. I mean, it's gone up 9 times from a very low base. And it was a very low base because at that time the markets were more open. You know, why if countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. I don't think that's a very fair approach. So talk to us. ये तो दोहरे मयार हो गए, डबल स्टैंडर्ड्स है। तो खैर, मेरे कहने का मतलब ये था कि भारत ने बावजूद इतने दबाव के रूस से तेल लेना जारी रखा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे ममालिक भी रूस से तेल लेना उन्होंने भी शुरू कर दिया, तो फिर रूस ने अपना डिस्काउंट घटाना चालू कर दिया और हालत आज ये हो गई। अभी तकरीबन जंग को 2 साल होने को आ रहे, आज जनवरी की 23 तारीख है, 22 फरवरी को यानी 1 साल 11 महीने तो हो चुके हैं इस जंग को, और अब तक वो जंग जारी रखे हुए है। तो अब वो मतलब आदि जैसे बन गया है रूस जो है, और उसको अभी कई ग्राहक मिल गए हैं जो उससे तेल खरीद रहे हैं, तो उसने भी डिस्काउंट कम कर दिया है। और बावजूद इसके के भारत रूस के बुरे वक्त में काम आया, उसने तेल पे डिस्काउंट देना तकरीबन बंद ही कर दिया है। आजकल सूरत हाल ये है कि एक बैरल पर बमुश्किल $2 या $3 का डिस्काउंट दे रहा है रूस। तो जाहिर है भारत को भी अपने मुफाद, अपना हित, अपना इंटरेस्ट सामने रखना है, तो भारत ने फिर अल्टरनेटिव जो है सोर्सेस की तलाश शुरू कर दी। तो हमारी आंख जा पड़ी वेनेजुएला पर। वेनेजुएला जो है लैटिन अमेरिका यानी साउथ अमेरिका जो है उसके शुमाल में है, जो है कैरिबियन के नज़दीक, लेकिन है लैटिन अमेरिका में। तो वहाँ से भी बहुत तेल निकलता है, लेकिन उसके ऊपर भी अमेरिका की पाबंदियाँ लगी हुई थी। अब जब तेल बहुत महंगा हो गया, अभी मैं आपको बता दूँ, बीच में तो ये हालत थी कि $95 फी बैरल तक ब्रेंट का भाव पहुँच गया। शुक्र है वैसे तो बीच में 75 तक भी गया, आजकल $79 फी बैरल का भाव चल रहा है। तो भारत ने वेनेजुएला से कांटेक्ट किया, उसके बाजू में है पापा न्यू गिनी, वहाँ पर हिंदुस्तानी भी बहुत रहते हैं, उनसे भी कांटेक्ट किया। तो अभी पता चला है कि भारत के जो रिफाइनर्स हैं यानी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है या SR ऑयल नायरा कहते हैं अभी उसे, और गवर्नमेंट की जो है रिफाइनरीज, उन लोगों ने भी वेनेजुएला को कांटेक्ट करना शुरू किया। तो अभी वेनेजुएला ने दोस्त एग्रीमेंट किए हैं भारत के साथ, और उसमें वो जो इंटरनेशनल स्पॉट रेट है तेल का, उसमें $10 का डिस्काउंट दे रहा है। अब रूस के $2 या $3 से वेनेजुएला का ये $10 खासा फायदा पड़ता है। और इतना तो आपको इल्म होगा ही कि भारत अपनी ज़रूरियात का 85% तेल इंपोर्ट करता है। अब जाहिर है उसमें अगर $1 भी बैरल पर फर्क पड़ता है तो करोड़ों डॉलर का फर्क हो जाता है। तो इसीलिए भारत ने अभी वेनेजुएला के साथ एग्रीमेंट किए हैं, और अभी 1 फरवरी से वहाँ से माल आना शुरू हो जाएगा, और फिर जो है भारत कमा सकेगा। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि जब रूस से भारत इतना तेल खरीदता था, तो एक तो भारत के पास
हर किस्म का तेल प्रोसेस करने की कैपेसिटी है। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है, पाकिस्तान ने जब रूस से तेल लेना शुरू किया था तो पाकिस्तान के पास उस वक्त कैपेसिटी नहीं थी प्रोसेसिंग की, तो रूस ने भारत का तेल उसको भेजा था, जो उसको भेजा था बेचा था। तो लेकिन अब आ गया होगा पाकिस्तान के पास भी वो कैपेसिटी, लेकिन उस वक्त नहीं थी। बम उसके बम मुकाबिल भारत के पास हर किस्म का तेल प्रोसेस करने की कैपेसिटी है, और ये पहले भी वेनेजुएला से तेल लेता रहा है भारत, तो हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। और हम अपनी ज़रूरियात से भी दुगना तिगना तेल खरीदते हैं, तो हमारी जो रिफाइनरीज हैं उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। जामनगर में जो रिलायंस की रिफाइनरी है वो तो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, तो हम वो कच्चा तेल खरीद के उसको प्रोसेस करके उसमें से डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी जो हवाई जहाज में पड़ता है, और केरोसिन ऑयल वगैरह हर किस्म का तेल बना के न सिर्फ भारत में अपनी ज़रूरियात का काम निकालते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को हता के यूरोप तक को हम एक्सपोर्ट करते रहे हैं और करते रहेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।